Thank you everyone. So we are continuing with share capital. The topic which we started yesterday was issue of shares for consideration other than cash. क्या मतलब था इस टॉपिक का? जब हम शेयर होल्डर को जब हम किसी को शेयर देते हैं बट बदले में कैश नहीं आता, बट क्या आता है? कोई एसेट आती है. एसेट इन द सेंस, एसेट इन द सेंस लैंड खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, किसी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया. फाइन. सो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. चार केस हैं इसके, एक एक केस का एक एक सम कराऊंगी. ठीक है. केस वन था जो कल डिस्कस कर चुके हैं, परचेज ऑफ सिंगल एसेट. परचेज ऑफ सिंगल एसेट, एक ही एसेट खरीदी. इलास्ट्रेशन 10 फ्रॉम द बुक, प्रिविजनरी इलास्ट्रेशन. ठीक है, ये वाला केस कल किया था, आज डिस्कस कर रही हूँ इलास्ट्रेशन के थ्रू. रोहित लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम रोहन एंड कंपनी फॉर 3,50,000. तो एसेट आई अंदर. फर्स्ट एंट्री थी एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर. वेंडर का नाम है तो जरूर मेंशन करना है. व्हाट इज द नेम ऑफ वेंडर? रोहन एंड कंपनी, जिसे खरीदा होगा. 3,50,000. आपने पूरा जर्नल बना के एंट्रीज करनी होती है. सेकेंड एंट्री क्या थी? A sum of 75,000 was paid by means of bank draft. Rohan and company debited. Bank draft की जगह वर्ड क्या लिख देंगे? To bank. कितना पे किया? 75,000. 3,50,000 में से 75,000 तो bank draft के थ्रू चले गए. Don't write the word bank draft. That is no account. Write the word bank only. Entry number 3. रोहन एंड कंपनी डेबिटेड वट एवर इज लेफ्ट. हाउ मच इज लेफ्ट? 2,75,000. क्या दिया बदले में? पढ़ो. वॉज पेड बाई इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू इक्विटी शेयर कैपिटल. एवरी शेयर इज इशूड एट प्रीमियम टू SPR. ठीक है, यहाँ पर मैं स्टॉप करवाती थी क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है. जिस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल है या नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की, बट जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है निकालने जरूरी है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके बिना सम नहीं होगा. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड. अमाउंट ड्यू टू रोहन एंड कंपनी डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ वन शेयर. 10 वाला शेयर 10% प्रीमियम पे इशू हुआ, यानी 11 पे इशू हुआ. Divided by 11. Divided by 11. तो नंबर ऑफ शेयर्स आए 25,000. कितने शेयर्स आए? 25,000. हाउ विल आई यूज इट? 25,000 शेयर्स. देखो ना, 10 वाला शेयर 10% प्रीमियम पे, 10% इसी का ही कर दो, कितना होगा? 11. 10 वाला शेयर 10 रुपए प्रीमियम पे नहीं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ शेयर ऑफ 10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10. अ शेयर ऑफ 10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. व्हेन दे राइट परसेंट दैट वुड बी 10 का 10%. अब शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाती है? फेस वैल्यू. 2,50,000 प्रीमियम में कितना जाएगा? 25,000 का 1 रुपए. 25,000 एंड द सम इज कंप्लीट. And the sum is complete. Note it down. 3-step procedure. First entry, asset account debited to vendor. Second entry, part payment vendor debited to bank. And second entry is optional, है ना? अगर part payment हुई है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. And third entry for issue of shares. So that would be Rohan and company debited to equity share capital. To equity shares भी नहीं लिखना, to equity share capital. Mark all my words. To SPR. SPR हमेशा credit होता है. हम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? अमाउंट ड्यू टू वेंडर 2,75,000 अपॉन इशू प्राइस ऑफ वन शेयर.
दस वाला शेयर 10% प्रीमियम पेश हुआ यानी 11, तो 25,000 शेयर्स आ गए। 25,000 शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ डाल दो, 25,000 शेयर्स का प्रीमियम यहाँ डाल दो, ठीक है जी। केस टू का सम करेंगे, परचेज ऑफ बिजनेस, केस टू परचेज ऑफ बिजनेस क्या बताया था, जब बिजनेस खरीदते हैं तो एसेट्स भी अंदर आती हैं और लायबिलिटीज भी। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स डेबिटेड टू लायबिलिटीज टू वेंडर, वेंडर के ब्रैकेट में आती है परचेज कंसिडरेशन, क्या आती है पीसी, पीसी स्टैंड्स फॉर परचेज कंसिडरेशन, यानी कितना पैसा दिया उसको बिजनेस खरीदने का, हाउ मच आई हैव पेड हिम एज नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। नाउ इफ दिस इज गिवन एंड दिस इज दिस एंड दिस आर गिवन, देन डिफरेंस इन, इफ डिफरेंस कम्स ऑन डेबिट साइड दैट वुड बी गुडविल, एंड इफ डिफरेंस कम्स ऑन क्रेडिट साइड दैट वुड बी कैपिटल रिजर्व। प्लस वन में भी ये पॉइंट करते थे, बी एफ स्टैंड फॉर बैलेंसिंग फिगर, आइदर द डिफरेंस वुड बी ऑन डेबिट साइड और द डिफरेंस वुड बी ऑन क्रेडिट साइड। लेट्स सी Illustration 12 from the book. Ashish and company purchased a multimedia business of HT Impex, ठीक है जी, owned by DN Sarkar. HT Impex का vendor कौन है, DN Sarkar, and issued 40,000 shares at a premium of 20%. 40,000 के तो shares issue किए, number of shares mentioned है, जब number of shares mentioned है तो formula नहीं लगाना, एंड 2,00,000 बाय चेक, और चेक भी दिया। फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर टेकन ओवर, चलो जी लिखते जाएंगे, प्लांट अंदर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, प्लांट अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक भी अंदर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग अंदर आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिटेड, टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से हूँ, टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल दिन, क्रेडिटर्स कितने 3,00,000, बिल्स पेबल कितने 1,00,000, और परचेज कंसिडरेशन भी दी हुई है, कैसे दी, उन्होंने बताया वेंडर को क्या दिया, कैसे दी हुई है परचेज कंसिडरेशन, दे हैव टोल्ड वेंडर को क्या दिया, तो टू कौन है वेंडर, डी एन सरकार, ठीक है। चलो क्या क्या दिया वेंडर को, कहते हैं एक तो वेंडर को 40,000 शेयर्स दिए हैं ऑफ 10 प्लस, यहाँ से गड़बड़ाएंगे, ये वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। वेट, डीएन सरकार को क्या दिए वो हम देख लेते हैं, आप थोड़ा नीचे आ जाओ, पहले जो डीएन सरकार को दिए उसकी एंट्री करते हैं। डीएन सरकार डेबिटेड, एक तो उसको 2,00,000 का चेक दिया टू बैंक, देन अगेन DN Sarkar debited to equity share capital and every share is issued at premium to SPR. 2,00,000 का तो चेक दिया, अच्छा इक्विटी शेयर्स कितने दिए हैं, 40,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं इंटू कितने का शेयर है 10, 40,000 इक्विटी शेयर्स दिए ऑफ रुपीज 10, क्योंकि शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू जानी है, और 40,000 शेयर्स का प्रीमियम 10% प्रीमियम कितना हो गया 2,00,000, 4,80,000, 4,80,000। यहाँ से हम बैक गियर मारेंगे, वी विल कैलकुलेट हाउ मच वॉज द परचेज कंसिडरेशन ऑफ डी एन सरकार, स्टार मार्क करो इस क्वेश्चन को, आशीष लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। आई रिपीट, हाउ डिड आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन, प्लांट एंड मशीनरी डेबिटेड, एसेट डेबिट ऑल एसेट, स्टॉक डेबिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिटेड, टू क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, उन्होंने बता तो दिया डीएन सरकार को क्या दिया, अगर मैं उसको दूसरी एंट्रीज में पुट करती हूँ तो मेरी वैल्यू कुछ और आती, अभी तो मैं ऐसे निकाल देती 40,000 शेयर्स दिए एट द रेट ऑफ 10, 4,00,000 और 2,00,000, तो प्रीमियम कहाँ जाता, तो लेट अस फॉर्म द सेकेंड एंड थर्ड एंट्री फर्स्ट देन प्रीवियस एंट्री। सो डीएन सरकार को एक तो हमने चेक दिया, तो डीएन सरकार डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, और क्या दिया,
डी आंसर कार डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। इस बार उन्होंने बता दिया है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सो आई एम नॉट पुटिंग द फॉर्मूला। 40,000 × 10, 40,000 × 2, टोटल कितना हो गया 4,80,000। 4,80,000 ये दिए, 2,00,000 ये दिए, तो टोटल कितना देना था 6,80,000। अब देखो, अब मैं अपनी फर्स्ट एंट्री टैली करने की कोशिश करूंगी, उसमें भी डिफरेंस है। सी 3, 4, 5, 5 and 5, 10, यहाँ का टोटल कितना है 10,00,000, और यहाँ का टोटल कितना है 6, 7, 8, 9, 10, 10,80,000 डिफरेंस इधर आ गया। व्हाट विल बी नेम इट एज गुडविल, बीएफ, बैलेंसिंग फिगर। सो नीचे से मैंने परचेज कंसिडरेशन निकाली, उसको ऊपर डाला और वहाँ से मैंने गुडविल निकाली। क्या निकाली? गुडविल। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वॉज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो जी आगे। ऐसे का गुडविल कैपिटल रिजर्व वाला एक और करते हैं, इलस्ट्रेशन 13। अगली इलस्ट्रेशन है। अ कंपनी परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ महेश्वरी लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 15,00,000, अंडरलाइन 15,00,000, दिस इज परचेज कंसिडरेशन। कैसे देना है? 12,00,000 के इक्विटी शेयर्स ये ऑफ 10 एंड बैलेंस बाय चेक। फाइन जी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर आर एज फॉलोज। डेबिट व्हाट कम्स इन, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 4,00,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड हाउ मच 4,00,000, डेटर्स डेबिटेड हाउ मच, डेटर्स डेबिटेड हाउ मच 3,00,000, स्टॉक डेबिटेड हाउ मच 5,00,000, कैश अकाउंट डेबिटेड हाउ मच 2,00,000। और हर एक के आगे ना आपने वो लिखना है, अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड। टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं 2,00,000, यस और नो। उसके बाद एंट्री में उन्होंने बता दिया फॉर अ सम ऑफ 15,00,000 टू महेश्वरी। टू महेश्वरी कितना है? टू महेश्वरी है 15,00,000। नाउ जस्ट सी 4 + 4, 8, बताया हुआ परचेज कंसिडरेशन। 4 + 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इधर का टोटल आया 18,00,000, इधर का टोटल है 17,00,000। डिफरेंस कम्स ऑन क्रेडिट साइड, सो दैट वुड बी कैपिटल रिजर्व, दैट वुड बी कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर हाउ मच 1,00,000, दैट वुड बी कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट एंट्री। क्या दिया बदले में? महेश्वरी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर्स भी दिए, और एक और एंट्री, महेश्वरी डेबिटेड टू बैंक। शेयर्स कितने के दिए? 12,00,000, ठीक है ना। सम ऑफ 12 रुपीज़ 12,00,000 वॉज पेड बाय वे ऑफ शेयर्स। बाकी कितने बचे? 3,00,000 के क्या दे दिया? चेक। 3,00,000 का क्या दे दिया? चेक। एंड द सम इज कंप्लीट। सो बैलेंसिंग फिगर इन द फर्स्ट एंट्री इफ अराइजेज ऑन डेबिट साइड दैट वुड बी गुडविल, इफ अराइजेज ऑन क्रेडिट साइड दैट वुड बी कैपिटल रिजर्व। बट गुडविल और कैपिटल रिजर्व तभी डिटरमाइन होंगे जब उससे पहले हम परचेज कंसिडरेशन एसेट लाइबिलिटी की वैल्यूज डाल चुके हैं, लाइबिलिटी की वैल्यूज डाल चुके हैं। इज इट क्लियर? केस 3 लिखो, इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। जैसे मैंने कहा ना, कौन होते हैं प्रमोटर्स? द पर्सन्स हु कंसीव एन आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स। और यही प्रमोटर्स बाद में क्या बन जाते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, एज इन मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दे आर द प्रमोटर्स। ठीक है, अब प्रमोटर्स को मेजर चंक ऑफ शेयर जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्या नाम देते हैं? क्वालिफिकेशन शेयर्स। ठीक है, तो पहली एंट्री करेंगे,
हाँ जी, पहली एंट्री इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रमोटर, उन्होंने पहले क्या खर्चा किया, कंपनी चलाने का खर्चा, टू प्रमोटर अकाउंट। एंड सेकेंड एंट्री वुड बी प्रमोटर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और अगर ये शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू हैं टू SPV। ठीक है, सो टू एंट्रीज, अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर क्या देना है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, एक और नाम हो जाता है गुडविल डेबिटेड, बट प्रेफर यूजिंग द वर्ड इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस एंड नॉट गुडविल। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रमोटर, एंड सेकेंड एंट्री वुड बी प्रमोटर डेबिटेड क्या दिया बदले में, टू शेयर कैपिटल टू SPV। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ शेयर्स वैसे आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर अपॉन इशू प्राइस ऑफ वन शेयर, वही इशू प्राइस क्या आएगा, 10 वाला शेयर अगर 10 पे इशू है 10 से डिवाइड, और अगर 10 वाला शेयर 12 पे इशू है तो 12 से डिवाइड, है ना, इशू प्राइस। केस फोर भी करते हैं, फिर दोनों के सम्स इकट्ठे करते हैं। केस फोर, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अच्छा, अंडरराइटर्स कौन होते हैं, देखो पब्लिक में शेयर्स बिकवाना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, हमने इतनी मेहनत की, प्रॉस्पेक्टस बनवाया, कंपनी चलाई, कल को मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया ही पूरा ना हुआ। प्रैक्टिकली मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया क्या है, 90% इशू मार्केट में बिकना चाहिए, और अगर वो नहीं बिकता आप पब्लिक से मनी रेज नहीं कर सकते, जो आए भी हुए हैं वो वापस कर दोगे। आई रिपीट, 90% इशू मार्केट में बिकना चाहिए, और अगर नहीं बिकता तो आप जिनके पैसे रखे हैं वो भी वापस कर दोगे। सो इन सच अ केस हम बीच में ना अंडरराइटर्स इन्वॉल्व कर लेते हैं। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, वो गारंटी देते हैं कि आपके शेयर्स हम बिकवाएंगे, और अगर आपके शेयर्स नहीं बिकते तो हम खरीद लेंगे। नॉर्मली ये बैंक्स होते हैं, सपोजिंग आप किसी बैंक में अपने कोई काम के लिए गए, वहाँ पे कोई बैठे होंगे, या वो बैंक एम्प्लॉई कह देता है कि सर जी SBI के म्यूचुअल फंड्स निकले हैं, या टाटा के शेयर्स निकले हैं, बड़े अच्छे प्राइस हैं, आप खरीद लो, ठीक है ना, आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी, इसमें बहुत फ़ायदा होगा, डिविडेंड बड़े अच्छे हैं, एंड ऑल दैट, सो दे स्टार्ट कन्विंसिंग यू फॉर इन्वेस्टमेंट्स। सो बेसिकली दे आर एक्टिंग एज अंडरराइटर्स। सो अंडरराइटर्स आर द पीपल हु गारंटी दैट योर इशू विल बी सब्सक्राइब्ड, एंड इफ इट इज़ नॉट सब्सक्राइब्ड देन दोज बैंक विल टेक अप द शेयर्स। ठीक है, देन दोज बैंक विल टेक अप द शेयर्स। अच्छा, अब इसमें क्या है, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर ये काम क्यों करेगा, बैंक्स ये काम क्यों करेंगे, उनको बदले में अंडरराइटिंग कमीशन चाहिए, है ना, कमीशन कमाते हैं इसमें। सो माय फर्स्ट एंट्री इज टू गिव देम कमीशन। हाँ जी, सो एंट्री वुड बी अंडरराइटिंग कमीशन डेबिटेड टू अंडरराइटिंग कमीशन डेबिटेड टू अंडरराइटर, फर्स्ट एंट्री, बीइंग कमीशन ड्यू। सेकेंड एंट्री वुड बी अंडरराइटर डेबिटेड, बदले में क्या दे दिया, टू शेयर कैपिटल, एंड इफ शेयर इज इशूड एट प्रीमियम टू SPV, एंड इफ शेयर इज इशूड एट प्रीमियम टू SPV। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स वैसे ही निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू टू अंडरराइटर अपॉन इशू प्राइस ऑफ वन शेयर, अमाउंट ड्यू टू अंडरराइटर अपॉन इशू प्राइस ऑफ वन शेयर। ठीक है जी, और इशू प्राइस वही है, 10 वाला शेयर 10 पे इशू हुआ 10 से डिवाइड, 10 वाला शेयर ज़्यादा पे इशू हुआ ज़्यादा से डिवाइड। टेक आउट द बैक सम्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर
18 ब्लू चिप कंपनी वाला क्वेश्चन देख लो, 17 18 जो भी होगा, 19 20 क्योंकि बुक नई और पुरानी का थोड़ा सा इशू है, ब्लू चिप वाला क्वेश्चन है 18 ब्लू चिप, मेरी बुक में 18th क्वेश्चन है पुरानी बुक में। ब्लू चिप लिमिटेड इशूड 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज एंड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड। व्हाट आई मीन बाय क्रेडिटेड एज फुली पेड मींस 10 के 10 रुपए मंगवाए और सबने दिए, टू अंडर देने तो क्या थे उनको दे दिए, टू द अंडर राइटर्स फॉर अंडर राइटिंग सर्विसेज जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन, पहले प्रमोटर की एंट्रीज करेंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रमोटर एंड सेकेंड एंट्री वुड बी प्रमोटर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 2000 इंटू 100 2 लाख। ठीक है, आगे परचेज और हमने अंडरराइटर्स को भी दिए, सो नेक्स्ट एंट्री वुड बी अंडरराइटिंग कमीशन डेबिटेड टू अंडरराइटर, अंडरराइटिंग कमीशन डेबिटेड टू अंडरराइटर 1 लाख। और अगली एंट्री क्या आ जाएगी अंडरराइटर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 1 लाख, अंडरराइटर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 1 लाख। ठीक है, एंड द सम इज ओवर। नेक्स्ट अच्छा, इन क्वेश्चन में बार बार आ रहे हैं ना प्रिपेयर बैलेंस शीट, वो आपने नहीं करनी, अभी मैंने बैलेंस शीट नहीं करानी, बिल्कुल एंड में करेंगे हम बैलेंस शीट से ना सम अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट वाले सम्स अभी आपने मतलब सम करना है, जर्नलाइज करके रख लो, जर्नल बना लो, बट उसकी बैलेंस शीट मत करना। ठीक है, जहाँ बैलेंस शीट वर्ड लिखा है उसको इग्नोर कर दो, वी डोंट नीड टू डू इट। अब जैसे 20th क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है आरटी पोर्ट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल, मैंने आपको बताया था ना रजिस्टर्ड कैपिटल की कोई एंट्री नहीं होती। क्वेश्चन कहाँ से शुरू होएगा, अनिल प्रमोटेड द कंपनी एंड द वैल्यू ऑफ हिज सर्विसेज वाज एस्टैब्लिश्ड एट 50,000 टू बी पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो सिंपली हम दो एंट्रीज कर देंगे, क्या एंट्री कर देंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिटेड टू अनिल, प्रमोटर कौन है अनिल, हाउ मच, कितने देने, 50,000। एंड नेक्स्ट एंट्री वुड भी उसको हमने क्या दे दिया, शेयर्स, अनिल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। पार पे है यानी फेस वैल्यू पे है, फिर तो कोई प्रीमियम का झंझट ही नहीं है ना, फिर तो एंट्री इज वेरी सिंपल, अनिल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंड द सम इज ओवर। सो बेसिकली 4 केसेस हैं, सिंगल एसेट खरीदना, बिजनेस खरीदना। ठीक है, मैं इसके कुछ और एंट्री वो क्वेश्चन भी भेजूंगी, वो भी आप सॉल्व करोगे। ठीक है जी, एनी डाउट अप टिल हियर, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन विद ओवर सब्सक्रिप्शन, मेजर टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, AHH आना ही आना है, वेरी इम्पॉर्टेंट, अ बिट टेक्निकल, टू बी लिसन्ड वेरी केयरफुली और बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना। सो लेट्स बिगिन, व्हेन शेयर्स अप्लाइड आर मोर देन shares issued it is called oversubscription,
मैम ये कैसे होते हैं? दिस इज एज सिंपल, लेट अस को रिलेट विद द स्कूल एडमिशन एग्जाम्पल. ठीक है, नाउ सर आप अगर कॉन्वेंट की एडमिशन ओपन हुई फॉर LKG. ठीक है, अब शहर में जितने भी लोग हैं हु वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू बी इन सत पॉल और सराबनगर कॉन्वेंट, दे वुड अप्लाई. सराबनगर कॉन्वेंट को एप्लीकेशंस आ गई 2000 स्टूडेंट्स की, बट उनके पास सीट्स कितनी है? दे टेक 40 स्टूडेंट्स इन वन क्लास एंड दे हैव 5 सेक्शंस, सो इट मीन्स टोटल ऑफ 200 स्टूडेंट्स. टोटल ऑफ 200 स्टूडेंट्स. एप्लीकेशंस कितने शेयर्स की आई हुई है? 2000 शेयर्स. तो वो क्या करेंगे फालतू शेयर्स? रिजेक्ट. क्या करेंगे फालतू शेयर्स? रिजेक्ट, है ना, फालतू एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने एडमिशंस देने ही कितने हैं बच्चों को हैं 2000 स्टूडेंट्स. सो रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस. ठीक है, सिमिलर इज अ केस ऑफ शेयर्स. शेयर्स में भी ओवर सब्सक्रिप्शन आती है. ठीक है ना, जो बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं, पीपल वुड वॉन्ट दैट दे शुड इन्वेस्ट इन सच कंपनी, सो दे अप्लाई फॉर द शेयर्स. एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन मनी एडवांस में आती है, हमारे अकाउंट में आ जाते हैं. अब मैं कंपनी हूँ, मैंने डिसाइड करना है मैंने किसको शेयर्स देने हैं या किसको नहीं देने. तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स. कंपनी ने शेयर्स तो कितने इशू किए? 20,000. बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स. पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? पब्लिक अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स. पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 50,000. सो शेयर्स अप्लाइड आर मोर देन शेयर्स इशूड, इट इज़ कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन. एप्लीकेशन आई 50,000 शेयर्स की, हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 20. क्या करेगी कंपनी? कंपनी के पास तीन ऑप्शंस हैं. ठीक है ना, ऑप्शन वन, देर आर थ्री ऑल्टरनेटिव्स. ऑल्टरनेटिव वन, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस एंड रिफंड द एप्लीकेशन मनी. मैंने कहा था ना एप्लीकेशन मनी एडवांस में आती है, तो फालतू एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दो और उनको पैसे वापस कर दो. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, एक विलेज में एक राशन डिपो है. ठीक है ना, जो क्या करता है राशन डिपो, हर रोज मार्केट जाता है और मतलब सिटी में जाता है और सबके लिए केरोसिन ऑयल लेके आता है. ठीक है, इस विलेज में देर आर 10 फैमिलीज और हर फैमिली की रिक्वायरमेंट है 4 लीटर तेल हर रोज. ठीक है, तो द राशन वेंडर वेंट टू द मार्केट एंड ही गॉट द केरोसिन ऑयल. ठीक है, उसको शॉर्टेज के कारण सिर्फ 36 लीटर मिला आज. ठीक है, वो 36 लीटर लेके आ गया. उसने मॉर्निंग में शॉप खोली. ठीक है, सारी फैमिलीज लाइन में लग गई, फैमिली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, अब रिक्वायरमेंट कितनी है 40 लीटर्स. अवेलेबिलिटी कितनी है? 36 लीटर्स. हर फैमिली को अपना घर चलाने के लिए 4 लीटर तेल चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो 36 लीटर कितनी फैमिलीज की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे? 4 लीटर ऑयल ना, 9 फैमिलीज. तो राशन डिपो ने क्या सोचा, वेंडर ने, कि आज 36 लीटर तेल मिला है तो व्हाट आई विल डू, दोज हु आर स्टैंडिंग इन द क्यू फर्स्ट दे विल गेट इट, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट द लास्ट वुड बी रिजेक्टेड. तो उसने इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया. जब 9th फैमिली तक हो गया, सारा तेल खत्म हो गया, उसने शॉप बंद कर दी. 10th फैमिली इज रिजेक्टेड. ठीक है,
सो दिस इज रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन और उसको वापस भेज दो. ठीक है, जितनी अवेलेबिलिटी है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो डिस्ट्रीब्यूट इट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या ये क्राइटेरिया हो सकता है. ठीक है, या क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि लॉटरी सिस्टम, चिट्स डाल लो, जिसके नाम आ जाएंगे उसको दे देंगे, है ना. सिमिलर इज द केस विद द कंपनी. अब हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं. कंपनी ने ऑफर किए 30,000 शेयर्स. कितने शेयर्स ऑफर किए? 30,000 शेयर्स, है ना. कंपनी को एप्लीकेशंस आ गई 40,000 शेयर्स की. कितनी एप्लीकेशंस आई? 40,000 शेयर्स. ठीक है, अच्छा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है? क्लोज फ्रेंड्स रिलेटिव्स ठीक है अप्लाई करते हैं. बुआ ने शेयर्स खरीद लिए, चाची ने खरीद लिए, या चाचू ने खरीद लिए, मामू ने खरीद लिए, मासी ने खरीद लिए. ठीक है, तो जब मेरे पास एप्लीकेशंस आई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, मैंने क्या किया? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को भी ना फॉलो करते हो, प्रेफरेंस को फॉलो कर लिया. जो मेरे बिल्कुल नियर एंड डियर रिलेटिव्स हैं उनको दे दो, क्योंकि शेयर्स ही लिमिटेड हैं. और जो दूर वाले हैं, जैसे चाचू का फ्रेंड है, उसको मत दो. ठीक है, सो अगेन रिजेक्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशंस एंड रिफंडिंग द मनी. सो वी गेव टू ऑल द पीपल हु आर इन अवर नियर कंसर्न एंड वी रिजेक्टेड द पीपल हु आर लाइक हु कैन बी टोल्ड लाइक कैन बी रिफ्यूज्ड. ठीक है, सो दिस इज रिजेक्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशंस एंड रिफंडिंग द एप्लीकेशन मनी. नाउ हाउ टू पुट इट इन द क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन चलते हैं. कंपनी ऑफर्ड, क्वेश्चन, कंपनी ऑफर्ड 30,000 शेयर्स बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर्स. द कंपनी डिसाइडेड टू रिजेक्ट, लिखो द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, फालतू शेयर्स रिजेक्ट करने एप्लीकेशंस एंड रिफंड द मनी. ठीक है, मनी आई कैसे, मंगवाई कैसे थी? ऑन एप्लीकेशन 4, ऑन अलॉटमेंट 3, ऑन फर्स्ट कॉल बैलेंस कितना बचा? 3, 4, 3, 7 और 3, 10. चलो कहते हैं जर्नलाइज, लेट्स बिगिन. वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड. मैंने कहा था एप्लीकेशन मनी एडवांस में आती है. टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 40,000. और एप्लीकेशन मनी कितनी दे दी? 4. इट मींस आई हैव रिसीव्ड 1,60,000. माय फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाउ मच? 1,60,000. एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, फालतू शेयर्स रिजेक्ट कर देने. तो सेकंड एंट्री में होगी, क्योंकि जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट. तो उस दिन हम डिसाइड करेंगे कितनों के रखने और कितनों के वापस करने. ठीक है जी, नाउ जस्ट सी, शेयर एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज. चलो, हमने कितने शेयर्स ऑफर किए? कंपनी ऑफर्ड 30,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस 40,000 शेयर्स कहेंगे. तो कितने शेयर्स रिजेक्ट करेंगे हम? 10,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए. हर शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितनी ली हुई थी? 4, वापस कर दो. 40,000 स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिए और 1,20,000 अपनी कैपिटल में डाल दी. कितने शेयर्स मैंने रखने थे? सिर्फ उन्हीं का पैसा कैपिटल में डाला. एंड द शेयर्स दैट हैव बीन रिजेक्टेड, देयर चेक्स वुड बी गिवन बैक एंड दिस वुड बी ट्रीटेड इन एंट्री नंबर 2. तो बड़ा बड़ा लिखो, ओवर सब्सक्रिप्शन इज ट्रीटेड इन एंट्री नंबर 2. ओवर सब्सक्रिप्शन कौन सी एंट्री में ट्रीट होगा? एंट्री नंबर 2. ठीक है जी,
चलो थर्ड एंट्री, रेस्ट क्वेश्चन वुड रिमेन द सेम, रेस्ट क्वेश्चन वुड रिमेन द सेम। शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, अब भूल जाओ 40,000 शेयर्स को क्योंकि 10,000 तो रिजेक्ट ही कर दिए थे। अब सारी एंट्रीज कितने शेयर्स के आएंगे, 30,000 शेयर्स पे, 30,000 इंटू 3। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, नाउ द सम इज क्वाइट नॉर्मल 90,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितनी थी फर्स्ट कॉल, चेक फ्रॉम द स्ट्रक्चर, 3 rupees, सो दैट वुड बी 30,000 इंटू 3, 90,000। रेस्ट सम एब्सोल्यूटली सेम, जब रिसीव करने की बारी आई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, एंड द सम इज ओवर, एंड द सम इज ओवर। सो व्हाट आई डिड वाज ट्रीटिंग ओवर सब्सक्रिप्शन विद ऑल्टरनेटिव वन, ऑल्टरनेटिव वन वाज फालतू की सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दो, एंड ओवर सब्सक्रिप्शन वुड बी ट्रीटेड इन एंट्री नंबर 2, दैट वुड बी शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू बैंक, बैंक में चले जाएगा रिजेक्शन अमाउंट, कितने शेयर रिजेक्ट हुए, 10,000 शेयर्स रिजेक्ट हुए एट द रेट ऑफ 4, सो दैट वुड बी 40,000। ठीक है, और जितने शेयर्स हमने रखने हैं उसका पैसा कैपिटल में डाल दिया, 30,000 इंटू 4। और एप्लीकेशन का तो रूल नहीं छोड़ना, एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज, एप्लीकेशन जितने पे ओपन उतने पे क्लोज। एक सम दे रही हूँ वो करोगे, उसके अलावा बुक में से कुछ सम्स दे रही हूँ, यू विल कम्प्लीट दैट होमवर्क। ठीक है, राइट ऑन द क्वेश्चन, आर लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, मनी पेपर ऑन एप्लीकेशन 3, ऑन अलॉटमेंट 4, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस कितना बचा, 3 rupees। पब्लिक अप्लाइड फॉर 75,000 शेयर्स, द कंपनी रिजेक्टेड All the excess applications and refunded the application money. ये वाला सम कंप्लीट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्लीट फॉलोइंग सम्स फ्रॉम द बुक, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 20 तक। ठीक है, एंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे 29, 30 एंड 31। बैक एक्सरसाइज कंप्लीट, बैक एक्सरसाइज 12 टू 20 एंड 29 टू 31। इग्नोर balance sheet, not question, ignore balance sheet in the question, it will be done later on, balance sheet hum baad mein karenge, is it clear to all, samajh mein aayi baat। So what we did today was humne 4 cases ek par 2 revise kiye, kuch naye sums kiye और 2 मैंने नए केसेस कराए, एंड आई स्टार्टेड विद ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स जब शेयर्स ज़्यादा अप्लाई हो गए और हमने कम ऑफर किए हैं,
तो ओवर सब्सक्रिप्शन हैज थ्री ऑल्टरनेटिव वेज टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिफंड द मनी, ठीक है, और सेकेंड ऑल्टरनेटिव ऑनवर्ड्स कल करेंगे, ठीक है। कल से लेक्चर थोड़े थोड़े औखे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से करना, केयरफुली समझना, लेक्चर्स मिस मत करना, तुम्हारा ही नुकसान है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।